आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल प्राकृतिक मार झेल रहे हैं महाराष्ट्र के किसान, खास करके कपास उत्पादक और सोयाबीन उत्पादक। इन दोनों फसलों के भाव में लगातार उतार चढ़ाव होते रहे हैं, जिसकी वजह से कई किसानों ने फसल को भंडारण करने पर मजबूर किया है। फिलहाल अभी बाजारों में कपास की बिक्री हो रही है और अभी कपास की खरीद 8,500 रुपये क्विंटल की दर से हो रही है। कुछ दिन पहले कीमत 9,000 रुपये से ज़्यादा थी। किसानों का कहना है कि इस साल मिली कीमत अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। तो वहीं कहीं कहीं भारी बारिश के कारण प्रति एकड़ कपास के उत्पादन में 70-80% की गिरावट आई है। उत्पादन में गिरावट के कारण उत्पादक कुछ सुख कुछ गम की स्थिति में है। कपास और सोयाबीन राज्य की प्रमुख नकदी फसलें हैं। इन फसलों पर किसान मुख्य रूप से निर्भर रहते हैं। अधिकांश जिले में अगस्त और सितंबर में भारी बारिश हुई थी, जब फसल फूल फल रही थी। 10-15 दिनों की बारिश लगातार और कभी कभी मूसलाधार बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया था। कई जिलों के खेतों में पानी भी भर गया था। कई दिनों से खेत में पानी निकाल पाना मुश्किल हो रहा था, जिससे कि फसलों की वृद्धि रुक गई, जिसके कारण कपास की फसलें खराब होने लगी थी और इसी कारण इसके उत्पादन में भारी गिरावट भी देखी गई है। कपास की फसल कई तरह की बीमारियों से प्रभावित थी, छिड़काव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दीपावली की पूर्व संध्या पर किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ कपास बेचना शुरू किया था, लेकिन प्रति एकड़ कपास की पैदावार में भारी गिरावट आई। 2-3 क्विंटल कपास प्रति एकड़ ही निकला था, जबकि हर साल प्रति एकड़ 8-10 क्विंटल कपास का उत्पादन होता था। लेकिन अब कीमतों में वृद्धि हुई, क्योंकि माल बहुत कम निकल रहा है। पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से कपास 9,000 तक पहुंच गया है। अब कपास की खरीद 8,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो रही है। पिछले साल यह रेट 5,000-5,500 रुपये था। इस साल कपास उत्पादक माल के नहीं बल्कि दरों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि भारी बारिश के बावजूद कई गाँवों को मुआवजा सूची में शामिल नहीं किया गया है। किसानों ने बताया है कि इस साल अत्यधिक बारिश होने से प्रमुख फसलों के उत्पादन में कमी आई है और बीज रोपण, छिड़काव और बिक्री की लागत को देखते हुए उत्पादन की लागत नहीं निकल पाएगी। नतीजतन इस साल किसानों को वित्तीय बजट गिरना तय है। किसानों की मांग है कि अधिक बारिश से होने वाले नुकसान का 50-60% मामूली राशि का भुगतान मुआवजा दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी, आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।